नहीं, बीजेपी के पास अगर कोई योजना है राजस्थान के बारे में, 25 सांसद बीजेपी के चुनकर गए, एआरसीपी पे उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उनकी योजना है सड़क की, बिजली की, पानी की, खाद की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार लगाने की या निवेश करने की, उद्योग लगाने की, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। 5 साल के लिए राजस्थान के लिए आपकी क्या योजना है? आप धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, चुनाव के समय मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए, ये चुनाव होना चाहिए। इलेक्शन मुद्दे क्या हैं? पब्लिक के मुद्दे, विकास के मुद्दे। लेकिन आप बार बार इसमें धर्म की बात करो, धार्मिक बातों को लेकर आओ, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हर व्यक्ति को आज़ादी है, किसी धर्म को वो फॉलो कर सकता है, लेकिन राजनीतिक भाषणों में धर्म का बार बार उपयोग करना, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं घबराहट को दिखलाता है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर कुछ कहने को उनके पास है नहीं।